आज मेरे बेटा टाइम पीरियड निकालने के इतने सारे वीडियोस डाल चुका हूँ, आज मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा टाइम पीरियड निकालने का। हमारे गुरुजी का सिखाया हुआ मेथड है, हमारे कोई बनाया हुआ नहीं, लोग अपना हमारा मेथड कर देते हैं, गुरुजी का भी नाम लेना चाहिए। तो खैर ये है पुली सिस्टम को सॉल्व करने का। लेकिन बेटा ये मैं बार बार कहूंगा, यदि आपको पूरा बेनिफिट चाहिए तो सिक्वेंस में पढ़ते हुए आइए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम पीरियड निकालने का, पहले डिटेल्ड मेथड मेरी आदत के हिसाब से और फिर एक शॉर्टकट मेथड। उस शॉर्टकट मेथड को मैं अपने सर को समर्पित करता हूं, वो कहा करते थे टब टस कार मेथड। अब ये टब टस कार मेथड क्या है, इसी के ऊपर जरा इंतजार करिए और देखिए न्यूमेरिकल कितने आसान हो जाते हैं। लेकिन पहले डिटेल्ड मेथड, बाद में शॉर्टकट मेथड। देखो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बेटा, आप समझ चुके हो कि जब भी कभी टाइम पीरियड निकालना होता है तो हम सबसे पहले वो फोर्स देखते हैं जो मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर के जा रहा है। हम वो फोर्स देखते हैं जो मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके जा रहा है, कोई भी चीज हो, और फिर उस फोर्स से निकालते हैं एक्सेलरेशन। पूरा मेथड डिटेल मेथड। फिर एक्सेलरेशन को रखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लगाने के बाद फिर हम निकालते हैं ओमेगा, और ओमेगा से निकलता है टाइम पीरियड। ये आप पुरानी वीडियोस में फर्स्ट पार्ट से पांच छह पार्ट तक देखते हुए ही आ रहे हैं, ये मैं मान के चलूंगा। दूसरा सीरीज और पैरेलल, जब स्प्रिंग सीरीज और पैरेलल में हो उनके फॉर्मूले बता चुका हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है के कूलेंट इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, और सीरीज में होता है वन अपॉन के कूलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू। एक फॉर्मूला टप्टस कार वाला मैं लिख के छोड़ रहा हूं, बाद में अप्लाई करना सिखाऊंगा 5-10 मिनट बाद। मेरे बेटा के इफेक्टिव होता है के टीबी अपॉन टीएस का स्क्वायर। ये क्या चक्कर है भाई, यही है टप्टस कार, टीबी टीएस स्क्वायर, टीबी अपॉन टीएस स्क्वायर। यूज करना है तो अभी पूरी वीडियो देखो, और न्यूमेरिकल बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को बहुत आसान कर देता है। तो ये मेथड है हमारा टप्टस कार मेथड, सर के कारण में। ये कोई बुक का नाम नहीं है, कभी ऑफिशियल नाम समझ के बैठ जाओ, लेकिन हाँ इससे याद लगाता है। टप्टस कार का मतलब पहले टीबी अपॉन टीएस और उसका स्क्वायर, टीबी टीएस स्क्वायर मिला के करते थे वो टप्टस कार। चलो शुरू करते हैं पहले रियल मेथड और फिर इसका यूज करके बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, थोड़े से देख डिटेल मेथड, थोड़े तो लेंथी होती है लेकिन रिवीजन हो जाएगा। हमारा आज के क्वेश्चंस टाइम पीरियड निकालने के होंगे, लेकिन उन जगहों पर जहां पर स्प्रिंग भी हो, ब्लॉक भी हो, पुली भी हो। स्प्रिंग कितनी भी हो, पुलीज हल्की होनी चाहिए कितनी भी हो, ब्लॉक एक होना चाहिए। तो आज का मेथड सिंगल ब्लॉक के लिए है, और कितनी भी पुली कितनी भी स्प्रिंग। तो देखिए चलिए मैं एक न्यूमेरिकल से शुरुआत करता हूं और देखते हैं कि भाई उसमें टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। ये मेरे पास है एक स्प्रिंग, उसके नीचे है एक पुली और ये ऊपर से बंधा हुआ है, ठीक है बेटा। यहां पर एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास है एम, स्प्रिंग कांस्टेंट है के। मुझसे पूछा जा रहा है कि यदि हम इसको खींच के छोड़ दें और ऑसिलेशन शुरू हो जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो मैं आपको पहले शॉर्टकट वाले से भी बता दूं और फिर डिटेल से भी, दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं। जब कभी स्प्रिंग पुली और ब्लॉक तीनों चीजें आ जाए तो पहले आप सारे में टेंशन बनाइए। मेरे बेटा यहां पर टेंशन, यहां पर टेंशन, ये जो डोरी इससे जुड़ी हुई है इसमें भी टेंशन, यहां टूटी या पुरानी वीडियोस में मेरे जानते हो टेंशन में, और ये है एमजी। मुझे एमजी की भी जरूरत नहीं है, ये रुका हुआ है। मेरे बेटा टीबी का मतलब है टेंशन एट ब्लॉक, ब्लॉक से जुड़ी हुई टेंशन। टीएस का मतलब टेंशन इन स्प्रिंग, जिस ब्रांच में स्प्रिंग है उस ब्रांच की टेंशन। ऐसे में इस स्प्रिंग का जो के है, मैं के नहीं लूंगा, मैं उसे लूंगा के इफेक्टिव। मेरी नजर में इस स्प्रिंग का के नहीं है, इस शॉर्टकट है वो है के इफेक्टिव।
जो किसके बराबर है के टीबी अपॉन टीएस। टीबी का मतलब ब्लॉक जिससे जुड़ा है उस डोरी में टेंशन, ब्लॉक के साथ कनेक्टेड टेंशन है टू टी। टीएस जिस ब्रांच में स्प्रिंग है उस ब्रांच में टेंशन, वो है टी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 4K। तो दुनिया के लिए ये K है, मेरे लिए ये 4K है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन K इफेक्टिव। पुली उली के कारण इसका K बदल गया और वो K इफेक्टिव है 4K जिसके कारण ये मेरा टाइम पीरियड है। अब इसका रियल मेथड देखो, जरा रियल मेथड को देखना और समझना कि कैसे होना चाहिए। आना तो दोनों ही चाहिए। ये मेरे बेटा एक स्प्रिंग है, उसके नीचे एक पुली है और यहां एक ब्लॉक है, ये मेन पोजीशन है। जरा अब ये टेंशन वेंशन छोड़, मुझे ये बताओ ब्लॉक को मैंने नीचे खींचा, जब ब्लॉक को नीचे खींचा तो मुझे पता लगाना है कौन सा फोर्स इसे वापस लेके जाएगा, कौन सा फोर्स इसे वापस लेके जाएगा। ये बताओ यदि आपने इसे वाई खींचा तो पुली भी वाई नीचे आ गई, यदि पुली वाई नीचे आ गई तो मुझे वाई डोरी यहां फालतू चाहिए, वाई डोरी यहां फालतू चाहिए। तो यानी मुझे पहले बस इतनी सी डोरी और स्प्रिंग थी, अब इतनी बड़ी डोरी और स्प्रिंग है। तो यदि आपने इसे वाई खींचा तो पुली y नीचे आ गई, तो y यहां और y यहां, मुझे 2y एक्स्ट्रा लेंथ की जरूरत है। 2y एक्स्ट्रा लेंथ डोरी से मिल नहीं सकती, वो इनएक्सटेंसिबल है, तो 2y लेंथ मिलेगी स्प्रिंग से, स्प्रिंग 2y खिंच जाएगी। तो मैं बताओ ये माला और ये माला बराबर लेंथ की है क्या? नहीं। यदि ये गैप y है तो इसमें y इधर और y इधर, 2y लेंथ फालतू चाहिए। तो भैया मेरे ये इसे 2y डोरी फालतू चाहिए। अब यदि 2y डोरी फालतू चाहिए तो वो ये डोरी तो खींच नहीं सकती, स्प्रिंग खींच जाएगी 2y, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन हो गया 2y, और यदि स्प्रिंग का इलोंगेशन है 2y तो स्प्रिंग का फोर्स होगा k into 2y। भाई तुम्हें मालूम है यदि किसी स्प्रिंग को खींचो x तो फोर्स लगता है kx, स्प्रिंग को खींचो y तो फोर्स लगता है ky, स्प्रिंग को खींचो 2y तो फोर्स लगता है k into 2y यानी 2ky। चल भाई अब इसे हटा देता हूं, मुझे क्या चाहिए, वापस लाने वाला फोर्स। अच्छा यदि 2ky यहां है तो 2ky यहां होगा, ये आप पहले से जानते हो बेटा कि दोनों तरफ बराबर एक डोरी एक टेंशन का सिद्धांत, फोर्स भी तो टेंशन का ही दूसरा नाम है। पता है ये भी 2ky होगा, ये भी 2ky होगा। अब ये बताइए बेटा इसको ऊपर कौन खींच रहा है, 2ky ये और 2ky ये दोनों मिलकर के 4ky से खींच रहे हैं। तो मेरे बेटा मेरे ब्लॉक को वापस कौन ले जा रहा है, ब्लॉक को मीन पर वापस लाने वाला फोर्स है 4ky। अब क्योंकि ये मीन पोजीशन पे वापस ला रहा है तो मैं माइनस लगा देता हूं, जो भी टुवर्ड मीन पोजीशन, भाई जब रियल मेथड करो तो रियल करो, ये है माइनस 4ky लेकिन फोर्स होता है एम ए, तो बेटा ए कितना हो जाएगा माइनस 4ky अपॉन एम। अब एक तो नेगेटिव है और दूसरा वाई के प्रोपोर्शनल है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। यदि ये मेरे बेटा सिंपल हार्मोनिक हो गया तो ए को रख दूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो वाई से वाई कट गया, माइनस से माइनस हट गया, और इस तरह से मेरे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4k अपॉन m। तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 4k अपॉन m, और ओमेगा क्या होता है बेटा 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड हो जाएगा अंडर रूट 4k अपॉन m, जिससे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 4k। मेरे बेटा असली मेथड ये है, 11th में यही करना चाहिए लेकिन कंपटीशन में ये करना चाहिए। कंपटीशन में हम 20 साल से हम यही मेथड से करवाते आ रहे हैं, जब भी स्प्रिंग कॉम्बिनेशन होता है पुली के साथ ब्लॉक के साथ, बस ध्यान ये रखना स्प्रिंग लाइट होनी चाहिए पुली लाइट होनी चाहिए, उनमें अपने मास ना हो, मासेस होंगे तो फिर आप जानते हैं यार, फिर वो कुछ ना कुछ तो इंटरफेयर होगा, तो वो सब मैं सिखाऊंगा आगे। अब ये मेथड तो आप लोगों को मैं 6 दिन से करा रहा हूं, तो आज इस वाले अपने गुरुजी के मेथड को आगे पक्का करवा दूं। मेरे बेटा ये मेथड इस शॉर्टकट मेथड है, इसी के बारे में मैं बता रहा हूं आप लोगों को बेटा। तो अब मैं आपको जरा यही टप्टस कार मेथड बताने जा रहा हूं, उसी के और एग्जांपल करते हैं। तुम तो अपने दिमाग में बसा लो, यदि शॉर्टकट करना है कंपटीशन में 11th में मत करना, काट देंगे सारे नंबर, ये 11th के लिए नहीं है।
या हाई लेवल के लिए मेरे बेटा, हाँ लेकिन कंपटीशन के लिए तैयार जरूर ढंग से कर लेना। टीवी जिस ब्रांच में ब्लॉक है उससे जुड़ी हुई टेंशन, ब्लॉक से जुड़ी हुई टेंशन, टीएस जिस ब्रांच में स्प्रिंग है उससे जुड़ी टेंशन, और के स्प्रिंग का पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट यदि वो पुली और मास से ना जुड़ी हो, और के इफेक्टिव जितना स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा वो बिहेव करती है। तो पुली और ब्लॉक सिस्टम में आके स्प्रिंग का बिहेवियर बदल जाता है, वो एक अलग स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह से बिहेव करती है, तो उसी पे ही मेरे एग्जांपल है। अगला एग्जांपल जरा देखिए, इससे न्यूमेरिकल कितने आसान हो जाते हैं, दो एक समझा दो ना बेटा फिर तुम सारे कर लोगे। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो मैं ये कहता हूं कि एक स्प्रिंग है यहां से बंधी हुई, यहां एक ब्लॉक है एम मास का, यहां पर एक और स्प्रिंग है ये भी के, मुझसे कह रहे हैं टाइम पीरियड बताओ। देख असली मेथड तो फोर्स वाला ही है, लेकिन वो मेथड यदि हम यूज करेंगे तो कंपटीशन में तो नहीं होने का ना, तो कंपटीशन के लिए आप मेरे बेटा सबसे पहले यदि यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी और यहां टेंशन टी, कई बच्चे कहते हैं स्प्रिंग में कोई टेंशन होती है, अरे फोर्स का दूसरा नाम ही तो टेंशन है, फोर्स का दूसरा नाम ही टेंशन है। स्प्रिंग के अंदर हो तो टेंशन कह देते हैं, जोड़ी में हो तो फोर्स कह देते हैं, फोर्स और टेंशन एक ही है। अब यहां पर कितना हो गया 2D और यहां कितना हो गया 2D। अब मेरे बेटा यहां पर दो स्प्रिंग है, इसे मैं स्प्रिंग ए वन कह देता हूं और इसे स्प्रिंग टू कह देता हूं। तो पहले क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई है तो दोनों स्प्रिंग के बदल जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्प्रिंग का इफेक्टिव के क्या हो जाएगा, पहली स्प्रिंग कैसा बिहेव करेगी। पहली स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं कि टब टस का यानी जो ब्लॉक है उसकी टेंशन, ब्लॉक की टेंशन है टी, जहां ब्लॉक है वहां की टेंशन, जहां स्प्रिंग है वहां की टेंशन, तो मैं इसी स्प्रिंग की बात कर रहा हूं जो यहां की टेंशन टी है, स्क्वायर टीबी अपॉन टीएस, तो ये तो के जैसा ही बिहेव करेगी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। लेकिन जो ऊपर वाली स्प्रिंग है उसका देखो के तो के ही है, टीबी का मतलब ब्लॉक वाली टेंशन, एक ब्लॉक पे यदि मैं फॉर्मूले लगते हैं तो ब्लॉक वाली टेंशन तो फिक्स ही रहेगी, तो ब्लॉक वाली टेंशन है टी, टीएस जहां मेरी स्प्रिंग है वहां वाली टेंशन, जहां स्प्रिंग है वहां तो टेंशन टू टी है का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा के बाई फोर। और कोई स्प्रिंग है नहीं, जितनी भी स्प्रिंग हो सबके इक्विवेलेंट के निकाल लो इस फॉर्मूले से, और फिर जितनी भी जैसे भी जुड़ी हो सबको सीरीज में मान लो, तो इनका और इनका रिजल्टेंट चाहिए तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबको सीरीज में मान के सॉल्व कर दो, हमेशा आंसर सही आएगा। और यदि रियल मेथड देखना हो मेरे और वीडियो देखते रहो, तो शॉर्टकट की बजाय डिटेल चल ही रहे हैं यार लगातार, डिटेल और शॉर्टकट दोनों का बैलेंस ही होशियार बनाता है। अब मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन का के इफेक्टिव निकाल रहा हूं, तो वन अपॉन के इफेक्टिव क्या होता है, वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन, चाहे जैसे भी जुड़ी हो सीरीज माननी है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो पुली और बिजीन सब में, तो वन अपॉन के वन तो के, वन अपॉन के टू यानी वन अपॉन के बाई फोर तो फोर अपॉन के, तो ये हमारा हो जाएगा फाइव अपॉन के। लेकिन बेटा फाइव अपॉन के तो वन अपॉन के इफेक्टिव है, तो के इफेक्टिव कितना हो गया के बाई फाइव, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इफेक्टिव, के इफेक्टिव को रखोगे के अपॉन 5, 5 में यहां लिख देता हूं पहले ही, दिस इज द आंसर। और देख एग्जांपल नंबर 3 मेरे बेटा, एग्जांपल नंबर 3 में मैं एक और सर्किट ले रहा हूं, कैसे भी बना लो मैं अलग अलग तरह के टिपिकल बनाने के चक्कर में अलग अलग तरह से दे रहा हूं। ये मेरे पास यहां दीवार से बना हुआ है, ये यहां से बना हुआ है, ये यहां दीवार से बना हुआ है, यहां पर ब्लॉक लटका हुआ है, यहां ये छत से लटका हुआ है, तो मेरा दुनिया में कैसी भी सर्किट मिल जाए परेशान ना होना मेरे वाला, ये ब्लॉक मास है मेरा, खत्म। टपटस्कार कैसे, चल सुन एक इनकी स्प्रिंग के नंबरिंग कर दो वन और टू, तो बेटा तुम्हें मैंने बताया यदि स्प्रिंग और पुली के सिस्टम में उलझ गई तो स्प्रिंग का बर्ताव बदल जाता है, उसकी इलोंगेशंस बदल जाती है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, और ऐसे में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम उनका इफेक्टिव के ले लेते हैं। तो पहले सारी टेंशन बनाओ,
मेरे बेटा सारी टेंशन यदि यहां है टी 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 और यहां है टी। एक डोरी एक टेंशन वाला सिद्धांत, स्प्रिंग मेरी नजर में डोरी है, ये टूटी ये टूटी, मैं इसे खींच के छोड़ दो तो ऑसिलेशंस चलेंगे। टाइम पीरियड बताना है, पहले सुन, दो ही स्प्रिंग है तो दोनों के इफेक्टिव के निकाल लो, के वन और के टू। पहले वाले का फॉर्मूला वही के टीबी अपॉन टी एस का स्क्वायर, तो इसका के यदि टू के होता तो टू के लिखता, के है तो फिर मैं के ही लिख रहा हूं। के टीबी अपॉन टी एस क्या है, टीबी हमारा एक ही रहेगा, मुझे बता ब्लॉक कितनी टेंशन के साथ जुड़ा हुआ है, ब्लैक जो ब्लॉक जुड़ा हुआ है टू टी टेंशन के साथ, तो टू टी अपॉन टी एस। स्प्रिंग किस टेंशन के साथ कनेक्टेड है, क्या टेंशन है स्प्रिंग में, टी का होल स्क्वायर, तो ये तो फोर के हो गया ना, आ गया। अब बेटा के टू ये वाली स्प्रिंग कैसा बिहेव करेगी, तो के कंटस का, तो टीबी यानी ब्लॉक वाली टेंशन तो अभी भी टूटी है और टीएस स्प्रिंग वाली टेंशन अभी भी टी है, स्क्वायर टीबी टीएस स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फिर फोर के। और कोई स्प्रिंग है तुम लगा लो जो भी होती मुझे कोई मतलब नहीं। अब ये दोनों सीरीज में मानी जाएंगी, हमेशा ऐसे सर्किट को सीरीज में लेना, तो के इफेक्टिव वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, और के वन भी फोर के, के टू भी फोर के, तो ये आ जाएगा टू अपॉन फोर के यानी वन अपॉन टू के। तो के इफेक्टिव क्या आ गया मेरे लाल, के इफेक्टिव आ गया टू के, और यदि के इफेक्टिव आ गया टू के तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, जो ब्लॉक ऑसिलेट करेगा, तो टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के इफेक्टिव, और के इफेक्टिव है टू के इफेक्टिव है टू के। समझ में आने लग रहा है टाइम पीरियड का। एक अगला एग्जाम्पल, और बस ये लास्ट है, देख जिसे समझना है वो इतने से समझ लेगा, जिसे नहीं समझना मैं सौ करवा लूं नहीं समझेगा। अगला एग्जाम्पल थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मेरे बेटा यहां पर एक डोरी है, उसके साथ स्प्रिंग है, यहां पर भी स्प्रिंग है, ये ऊपर से बंधा हुआ है, ये छत से बंधा हुआ है, यहां भी एक पुली है, ये यहां से बंधी हुई है, यहां से एक स्प्रिंग है, यहां से एक दूसरी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के नीचे एक और पुली है। अब बता इससे ज्यादा क्या चक्कर गिनती बनाऊं, एक डोरी यहां से घूम के यहां आ रही है जिसमें दो स्प्रिंग है, लास्ट है एक डोरी यहां से घूम के यहां जा रही है, इसके सेंटर से शुरू होके इसके सेंटर पे खत्म, ये है और एक ये मास है। चल भाई शुरू करें, पुलिस मासलेस है, यदि खींच के छोड़ दे तो टाइम पीरियड बताओ, और फॉर्मूला टमटस का। खैर एक डोरी एक टेंशन का सिद्धांत, टी 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 टी, ये एक डोरी थी जिसमें दो स्प्रिंग आई सेम टेंशन। अच्छा यदि इधर टी और इधर टी तो यहां होगा टू टी क्योंकि पुली मासलेस है, ये तो मैं मान के चलूंगा भाई पुरानी वीडियो सब देखी हुई है, ये टूटी ये टूटी ये टूटी। अब कई बच्चे कहेंगे टूटी क्यों भैया, क्योंकि यहां से यहां तक एक ही डोरी है, यदि इधर टूटी हो गया इधर भी टूटी हो गया तो फिर ये सारे में टूटी फैल जाएगा। अब नीचे आ जाओ मेरे बेटा, नीचे देखो इधर यहां क्या है, तो जवाब है ये मास है। अब जब मैं इसे खींच के छोड़ूंगा तो पता है सबकी नंबरिंग कर लो, नंबर वन स्प्रिंग, नंबर टू स्प्रिंग, नंबर थ्री स्प्रिंग, नंबर फोर स्प्रिंग, और फिर चारों के निकाल दो और उन्हें सीरीज में मान के सॉल्व कर दो। पहला के तो सबका मैं के ही ले रहा हूं, जो क्वेश्चन में दिया गया है सभी का के है, और यदि के की जगह टू के थ्री के आ जाए तो बदल देना। तो पहले का के क्या था, ये टीबी यानी यहां टेंशन। अच्छा ये बताइए यदि टूटी यहां टूटी यहां तो ये कितना हो गया, 40 हो गया ना, जितना इधर टेंशन इधर दोनों मिलकर इस ब्लॉक को खींचेंगे तो 40। तो टीबी यानी ब्लॉक में टेंशन तो है 40, तो ब्लॉक में टेंशन हो गई बेटा 40, और टीएस स्प्रिंग में टेंशन है टी का होल स्क्वायर, देखो टीबी टीएस स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा 16 के। अब इसका के निकल गया, अब इसका के निकालो, जैसे मैं के इफेक्टिव कह रहा हूं जैसा ये बिहेव करेगी, के टीबी अपॉन टीएस, टीबी तो सब एक ही ब्लॉक होना चाहिए इस क्वेश्चन में, टीबी की वैल्यू तो है 40 और टीएस वहां भी टी का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा 16 के। अब तीसरी स्प्रिंग पर आ जाओ, तीसरी स्प्रिंग
ये भी k है, पता है यदि यहां 5k होते तो मैं यहां 5k लिख देता, फिर मैं लिखता tb / ds का स्क्वायर, तो लेकिन मैंने अभी मेथड सिखा रहा हूं तो k ही रख दिए। अब मुझे बताना tb / ts, तो tb तो 4t है और ts स्प्रिंग जहां पर है वहां टेंशन वो 2t है का होल स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा बेटा, चला 5 नहीं है ये मैंने समझाने को लिखा था, k tb अपॉन टी एस का होल स्क्वायर, तो 2t से 4 टिकट क्या आएगा 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4k और लास्ट k 4 भी इतना ही आ जाएगा, k tb तो होगा 4t अपॉन 2t का होल स्क्वायर, tb अपॉन टी एस का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ये भी 4k आ गया। और तो कोई स्प्रिंग नहीं है, यहां भी लगानी हो लगा दो, मैं उसे भी कर लूंगा, मेथड सीख लिया तो सीख लिया। अब फिर 1 अपॉन k इफेक्टिव, सबको सीरीज मान डालो क्योंकि ये फॉर्मूले सबको सीरीज मान करके ही डिराइव करे गए, 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 प्लस 1 अपॉन k4, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, k इफेक्टिव निकाल लेना है, समझा तो दिया, k इफेक्टिव आ जाएगा, फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इफेक्टिव रख देना, जो भी के इफेक्टिव आएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। आप इस मेथड को जितने भी स्प्रिंग्स हैं उस पे अप्लाई करके देखिए, हर बार 100% एक्यूरेट रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।